यदि हम लोग देखिए एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्या है इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू फिफ्टीन बाई एट देन ई वैल्यू निकालना है आपको टू प्लस टू साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा टू माइनस टू कॉस् थीटा ये टू थाउजेंड नाइन में पूछा जा चुका है और इसको हम लोग कैसे करेंगे सो देखते हैं ईजी वे में लेकिन जो सटीक तरीका है उस पर चलते हैं तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग जो ई साइड दिया इसको लेके टू प्लस टू साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन प्लस थीटा टू माइनस टू थीटा इसमें टू कॉमन ले लेंगे इसमें भी टू कॉमन ले लेंगे इसमें यदि टू कॉमन लेंगे वन प्लस साइन थीटा बच जाएगा वन माइनस साइन थीटा यहाँ पर यदि वन प्लस थीटा सो है ये दोनों में से टू कॉमन लिया इसको हमने इधर लिख दिया वन माइनस कॉस् थीटा यहाँ पर बचेगा ये टू से टू कैंसिल होगा वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी को हमने लिख दिया है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटर चूँकि वन स्क्वायर वन होता है इसलिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटर लिख दिए यहाँ पे हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटर ये हो गया इसके बाद यदि हम लोग देखेंगे इसके बाद आगे जो है आपका उसको देखेंगे हम लोग तो ये हो गया आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया इसको हम लोग बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा चूंकि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और स्कॉट स्क्वायर छूटी कॉट थीटा का वैल्यू आपका फिफ्टीन बाई एट दिया है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया फिफ्टीन बाई एट का होल स्क्वायर दैट इज़ टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एट्स का स्क्वायर सिक्सटी फोर ये हो जाएगा आपका आंसर ये दो क्वेश्चन हमने बनाए हैं इसको आप देख लेंगे थैंक यू सो मच